पहलान माता टेंपल भी है यहाँ पे। फाइव स्टार चॉकलेट है। दूध फांद के कैसे चल रहा है? हम खा रहे हैं चॉकलेट एनर्जी के लिए। इनको नीचे आने का मन नहीं कर रहा, हमें अभी वहाँ जाना है। वो है मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं रह गया, यहाँ से 100 मीटर के करीब ही रह गया है। मंदिर आने वाला है, पास में ही है। ये हम फिर से एक टॉप पे चढ़ पड़े हैं। सामने वो आग लगा हुआ पहाड़ दिख रहा है, देखिए खड़ी चढ़ाई। हम उतर रहे हैं यहीं से। तो मेरी लिंगड़ी आ चुकी है बनके, और आपको दिखाती हूँ शक्ल इसकी। हम लोग निकल चुके हैं काला टॉप से, ये दैन कुंड की तरफ जा रहा है। काला टॉप का जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर की सड़क जाती है दैन कुंड की तरफ, दोनों साथ साथ में ही है। यहाँ की सड़कें ठीक है। दैन कुंड है काला टॉप से 4 किलोमीटर है, और फिर 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। इधर पार्क, और ये यहाँ का लैंडस्केप देखिए। यहाँ पे घोड़े खच्चर भी बहुत चल रहे थे, इधर पूरा घास का मैदान है। ये वो देखिए ध्रुव वहाँ पे देने गया गाय को छिलके वगैरह जो हमने इकट्ठे कर रखे थे, फ्रूट्स वगैरह के, खीरे वगैरह के, तो गाय अच्छे से खाती है, तो उनको देने गया है उधर। इधर भी बहुत जाम लग गया है ऊपर जाने के लिए। हम तो पैदल हो रही है अपनी गाड़ी लगा के। ये है एंट्री पॉइंट ट्रैक का। पहलान माता टेंपल भी है यहाँ पे। स्टार्ट हो गया। तो हमने ले ली है चॉकलेट, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंचाई पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी होती है और चलना भी बहुत ज़्यादा है, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो चॉकलेट जैसी चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी है। ये ध्रुव कैसे पैर पसार के पड़ा है, इसको और ऊपर चढ़ना नहीं है, वैसे यही सामान रख के पसार दिया इसने। उस स्टॉप तक जाना है ना हमने, उस स्टॉप तक जाना है अभी। हम खा रहे हैं चॉकलेट एनर्जी के लिए, ये साथ में रखनी जरूरी है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। दूसरे टॉप के पास जा रहे हैं हम। हाँ, यहाँ से व्यू है, ये खड़ी चढ़ाई है ना, थोड़ी थोड़ी देर में ही थोड़ी सांस फूल जाती है। बैठते हैं हम यहाँ पे, सीट भी बढ़िया है मिल गई, यही से बढ़िया है। तो ये यहाँ से व्यू है, सन इसके पीछे छिपा हुआ है, सनसेट होगा उसके उधर तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ पे एक भुट्टे बेचने वाले अंकल भी हैं। ये फ्लावर्स तो हर जगह ही उगे हुए हैं वाइट कलर के। नहीं हाँ, देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर व्यू पॉइंट है। इससे भी हम आगे जा रहे हैं बिल्कुल टॉप पे, वो दिखाएंगे चढ़ के ऊपर आ जाएगा टॉप, जो अटमोस्ट टॉप है ना। सही है, पूरी वैली भरी हुई है इन फ्लावर्स से। इस जगह का नाम दैन कुंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डायन वगैरह बहुत रहती थी पहले, ऐसा माना जाता है। फुलानी देवी जो टेंपल है, उन माता के प्रकोप से वो वहाँ पे कुंड में सारी जो डायन है उनको भस्म कर दिया गया है, इसीलिए इस जगह का नाम दैन कुंड है, यानी डायनों का कुंड। इस जगह आपको गाड़ी वगैरह नहीं दिखेगी, तो ये खच्चर यूज़ होते हैं, जो भी आपको कोई सा भी सामान लाना हो या तो पैदल आइए या फिर खच्चरों की सहायता से लेके आया जाता है यहाँ पे सामान।
सीढ़ियां चढ़ के जिस टॉप पे अभी हम गए थे उसी के साथ से नीचे की तरफ एक और रास्ता जाता है जो कि फुलानी माता टेम्पल पे जाता है। वो उस टॉप से एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर होगा, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग, पूरा ट्रैक करके ही आएंगे। हम जाएंगे अभी उस टॉप पे। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं ये फ्लावर्स जो हैं और डेंस होते जा रहे हैं, और ये फ्लावर्स की जो प्रेजेंस है ना वो हर जगह को यहाँ पे फ्लावर वैली का रूप दे देती है। बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं इससे, इसकी वजह से। और ये फूल समर में ही दिखाई देते हैं यहाँ पे। जहाँ जहाँ जिस पहाड़ी पे गए हैं हम लोग, कोई सी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये फ्लावर्स नहीं हो इतनी तादाद में। कहीं अच्छे हैं, कहीं सूख गए हैं, बट हैं ज़रूर। और यहाँ से पूरी वैली का नज़ारा देखिए आप, इतना अमेजिंग है। और अभी जैसे हम माता फुलानी टेम्पल के पास जा रहे हैं, ठंड बढ़ने लग गई है धीरे धीरे। यहाँ से कितनी अच्छी वैली दिख रही है पीछे की। यहाँ ट्रैकिंग के लिए प्रॉपर पगडंडी बनी हुई है, पक्की वाली वो भी, बट हम लोग जो भी रास्ते में पहाड़ पड़े हैं कच्चे वाले, सारे ऑफ रोड वाला रास्ता हमने चुना है क्योंकि इसी में ही ज़्यादा मज़ा है। पूरा जो रास्ते में जो भी पहाड़ आ रहे हैं उस पे चढ़ के ही हम गुजर रहे हैं और वैली देखते जा रहे हैं। देखिए ये हम फिर से एक टॉप पे चढ़ पड़े हैं, सामने वो आग लगा हुआ पहाड़ दिख रहा है। उसमें आग लगाई है या लग गई है पता नहीं, पर आजकल आग बहुत ज़्यादा लग रही है पहाड़ों में। तो हम जा रहे हैं यहाँ से, सामने दिख रहा है वो लाल कलर का, वहाँ ही जाएंगे। मेन दैनकुंड पीक जो है वो वही है जहाँ पे हम सीढ़ी चढ़ के गए थे। वो एंट्री पॉइंट से 1 किलोमीटर दूर ही पड़ेगा, बट स्टीप चढ़ाई है और सी लेवल से उसकी ऊंचाई 2,755 मीटर है। उसके आगे भी आप आ सकते हैं फुलानी माता टेम्पल, पर आधे टूरिस्ट वहाँ से वापस हो लेते हैं पीक से ही। पर हम पूरी अभी उसको घूम के आएंगे ये एरिया को, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है ये। इसको पूरा ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उसी में ही मज़े हैं। जैसे जैसे हम पास जाते जा रहे हैं ना, हवा इतनी तेज़ और ठंडी होती जा रही है। यहाँ पे हवा का आनंद लेते हुए इनको नीचे आने का मन नहीं कर रहा, हमें अभी वहां जाना है। दो दो मिनट में तो बैठ जाते हैं। हम मंदिर के अप्रोक्सीमेटली पास ही पहुंच गए हैं। अब हमने ले लिया पक्की सड़क, इसके थ्रू ही जाएंगे मंदिर पे सीधा सीधा। पीक की दूसरी साइड आया ना, यहाँ पे लग रहा है अलग ही लेवल की हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है ग्लेशियर के पास खड़े हैं, और इतनी फ्रीजिंग हवाएं चल रही है ना यहाँ पे, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो है मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं रह गया यहाँ से, 100 मीटर के करीब ही रह गया है। थोड़ा पहले स्टीप चढ़ाई थी, अब थोड़ा प्लेन है, ज़्यादा बीच बीच में आती है। यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है एकदम से रह रह के। मंदिर के साइड वाली पहाड़ी से स्नो पीक्स भी दिखती हैं, तो हम वहाँ भी जाएंगे। मंदिर आने वाला है, पास में ही है। मंदिर के फिर साइड वाले पहाड़ में भी चढ़ना है हमने। सबसे ऊंची यही पहाड़ी है। मंदिर के नीचे बैठे हुए हम लोग यहाँ पे दुकान पे। मैंने भेलपूरी ऑर्डर की है, ध्रुव कुछ ऑर्डर करेगा। मंदिर जाके आ गए। मंदिर के नीचे वाला जो पोर्शन है यहीं पे प्रसाद वगैरह भी मिलते हैं, यहाँ से लेके जा सकते हैं। प्लेट्स बनी हुई हैं यहाँ पे, और खाने पीने की भी चीज़ बन मिलती है यहाँ पे। और ये वापसी का रास्ता फिर यहीं से लेंगे हम लोग। भेलपूरी आ गई है हमारी। मंदिर के साइड में जो ऊंची पहाड़ी है वहां चढ़ने के लिए हम ऊपर निकल पड़े हैं। हम सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। ये बीच में ठंड से भी है बरसात में। और वही है वो सड़कें जहाँ से हम आए थे। इन हवाओं की वजह से भी ना एटमॉस्फेयर में ऐसी आवाजें क्रिएट हो जाती हैं, जैसे लगता है कि जैसे कोई चुड़ैल चिल्ला रहा है, या बहुत ही भयानक आवाज़ें आती है। जो आप यहाँ पे खड़े होंगे तो ही आपको एक्सपीरियंस होगा।
बट वो शायद यहाँ के ऐसे एटमॉस्फेयर और बहुत तेज हवा की वजह से ही होता होगा। मेरे बाल जितने उठ रहे हैं इससे देख सकते हो कितनी हवा चल रही है और एकदम से इतनी तेज झोंका आता है बीच बीच में। एकदम से अभी बीच में एक और तेज झोंका आएगा जिससे पता लगेगा, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंटेंसिटी इन हवाओं की ऐसी थी कि मैं खड़ी थी और लग रहा था कि जरा सा भी बैलेंस गया और मैं लुढ़क गई। ये ध्रुव चला गया यहाँ से, इस पीक पे गए थे हम लोग, अब नीचे उतर के वापस ही चले जाएंगे क्योंकि सनसेट में तो अभी बहुत टाइम है, चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए ऊपर पहाड़ी पे क्योंकि सीधा हवा आ रही थी और इतनी ठंडी हवा आती है ऐसा लग रहा है कि ग्लेशियर से सीधा हवा आ रही है ठंडी। हाँ वहाँ पे कोई मणि महेश या जो ग्लेशियर्स हैं और भी उनकी वो है, मतलब वहाँ पे अभी तो धुंध थी इसलिए नहीं दिखी, तो वहीं से ऐसा लग रहा है हवा आ रही है इस तरफ और अब जाके थोड़ी सी ये पहाड़ हवा काट दे रहा है तो नॉर्मल हुआ, नहीं तो जैसे ठंड में हवा में हाथ जम जाते ना वैसे ही हो गया था, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकला है नहीं तो हम वहीं जम जाते ऐसा लग रहा था मुझे। इस तरफ थोड़ा सन है थोड़ा वार्म फील हो रहा है तो अब नीचे ही जाएंगे हम लोग। चलिए देखिए खड़ी चढ़ाई, हम उतर रहे हैं यहीं से, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है बट है बीच बीच में थोड़े पत्थरों में जिनका सहारा मिल जाता है पैर का। इस तरफ भी वैली है, बहुत अच्छा है व्यू है और उस तरफ से तो हम आपको दिखा के ही आए हैं, तो ये देखिए वापस चलेंगे हम दैनकुंड से। अब हम लोग वापस जा रहे हैं खजियार अपने होटल की तरफ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा दैनकुंड का, ट्रैकिंग का एरिया भी बड़ा अच्छा था, ज़्यादा खतरनाक नहीं था, थोड़े थोड़े पहाड़ भी चढ़े हैं आज हमने बिना डरे, मैंने स्पेशली, मेरे को डर लगता है कि फिसलने का, पर मैंने भी आज दो तीन पहाड़ियाँ चढ़ी हैं। और जो फ्लावर्स की वैली है यहाँ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते ऊपर डेंस होती जाती है फ्लावर्स की, ये क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तो इसलिए बहुत अच्छा भी लगता है। तो यही फ्लावर्स हैं जो वाइट वाले हैं, ये सारे हिमाचल में भरे हुए हैं, अपने आप इस सीज़न में उगते हैं मेरे ख्याल से, और इसमें शायद ये अगर थोड़े से ये वो होते ना जलते जैसे जुगनू होता तो रात में इतना अच्छा लगता क्योंकि हर जगह यही भरे हुए हैं। तो चले चलते हैं होटल। हम बीच में रुके हैं यहाँ पे, एकदम से दिखाई दिया हमें यहाँ पे इतनी सारी स्नो दिख रही है, पीक्स है सारी, कौन सी सारी स्नो पीक्स है। जो हमें लग रहा था वो गलत नहीं लग रहा था, इसका मतलब पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है और मौसम खराब हुआ है, इसीलिए वहाँ पे इतनी तेज तेज हवा चल रही थी और ठंडी हवा आ रही थी क्योंकि यहाँ पे भी स्नोफॉल हुई है, तो स्नोफॉल के बाद थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है अभी, ये नहीं तो ये इतना क्लियर दिखता नहीं है और पहाड़ों पे बर्फ भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, ये देखिए पीक से होके आ गए, पीक से तो दिखी नहीं स्नो पीक्स और नीचे आते हुए दिख रही है स्नो पीक्स, इतना अमेजिंग लग रहा है, एटलीस्ट चलो नीचे ही आते हुए दिखी पर दिखी तो सही। वापस हम लोग आ गए हैं खजियार, थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और फिर घर चलेंगे, और हम ये फ्रिस्बी साथ में लेके चलते हैं इनकेस खेलने का मन हो तो ये ध्रुव अगर खेलेगा तो इसके साथ खेलूंगी मैं। खजियार साफ सुथरा रहता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है, बट इस साइड आज कचरा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आज वीक डे है, नहीं तो यहाँ की मेंटेनेंस होती रहती है, कूड़ा वगैरह उठाने वाले आते ही रहते हैं। वैसे ये बेस्ट प्लेस है यहाँ पे पिकनिक मनाने का, इतना लंबा चौड़ा ग्राउंड है, आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं कुछ भी खेल सकते हैं यहाँ पे, और वीक डे नहीं होता तो यहाँ पे जॉर्पिंग वगैरह भी हो रही होती, और यहाँ पे आसपास होटल भी है इसी खजियार में ही, मेन खजियार में जो टूरिस्ट प्लेस है, वैसे तो खजियार बहुत बड़ा है, यहाँ पे भी आप होटल ले सकते हैं बट हमारे यहाँ से होटल जो है 4-4.5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, मेन खजियार में भी आप होटल ले सकते हैं वैसे।
तो हमने स्टार्ट कर दिया फ्रिस्बी खेलना, हम दोनों फ्रिस्बी खेल रहे हैं और ध्रुव अच्छे से फेंक लेता है, मेरे से अच्छे से फेंकती नहीं है, कभी खड़ी खड़ी ऐसे गोल गोल घूम जाती है, पता नहीं कुछ कुछ अजीब सा होता रहता है। ये तो फिर भी ठीक गई, बट हवा कहीं और थी और शॉर्ट डिस्टेंस पे गई, कभी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाती है बट वो बिल्कुल ही ऐसे व्हील की तरह चली जाती है, तो होता ही रहता है कुछ ना कुछ ऐसा। हवा ही जा रही है, अब तो मैंने उस साइड ही फेंका था। खजियार में भी थोड़ी देर रुक गए थे, अब वहां से अब हम होटल निकल रहे हैं और लग रहा है मुझे कि ना जहाँ पे स्नो पीक माउंटेन है वहां पे थोड़ी सी आज बर्फबारी हुई है कुछ, इसलिए हवा बहुत ज्यादा ठंडी है जैसे मैंने आपको बताई था, और क्लियरली दिख भी रहे हैं यहाँ से, जबकि दिखते नहीं थे इतने क्लियरली, और जबकि है नहीं लाइट। अभी आपको मैं अपने होटल से व्यू दिखाऊंगी, यहाँ से भी दिख रहा है बट वो कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, अभी चल रही है ना गाड़ी, बीच बीच में पेड़ आ रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा दिख रहा है, तो होटल जाके दिखाऊंगी। मेरे को लगता है कि वो जो पीक है उसमें ज़्यादा अभी वाइट वाइट जो होगा पीक ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। पहुँच गए हम होटल, वो देखिए उस साइड की पीक्स दिख रहे हैं आज ही, ये है वो पीक, इतनी यहाँ पे ही हुई है बर्फबारी जो कितनी क्लियर दिख रही है सूरज ढलने के बाद भी। और यहाँ हवा खजियार में भी बहुत तेज चल रही है इस टाइम पे भी, तो इससे कंफर्म होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है स्नो पीक्स माउंटेन्स में। मैंने कल लिंगड़ी खरीदी थी डलहौजी से यहाँ आने के रास्ते में, उसने मुझे गलती से नहीं जानबूझ के धोखा देने की उससे 40 रुपए की एक गड्डी दी और उसमें रुएं निकल रहे थे। होटल में मैंने लाके दे दी थी कि बना दीजिए इसे, तो उन्होंने बोला कि ये तो पॉइजनस होती है थोड़ी, ये ख़राब हो गई है, तो उन्होंने बोला कल बना देंगे, खुद ही बोलने लगे कि चाहिए तो कल बना देंगे, तो आज वो मेरे को बना के देंगे लिंगड़ी की सब्ज़ी, तो देख खाएंगे आज, देखते कैसी बनती है। तो मेरी लिंगड़ी आ चुकी है बनके और आपको दिखाती शक्ल इसकी, ये है लिंगड़े की सब्जी, होपफुली ये अच्छे वाले हो, और ये रोटी आ गई है। यहाँ पे प्योर आटे का रोटी नहीं मिलती, उसमें सफ़ेद आटे ही की रोटी मिलती है, हमने पूछा भी था उन्होंने बोला यही मिलता है इधर, चलो खाते हैं। So guys, that's it for the day. If you like the video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thanks for watching.